बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली योर मैथ्स टीचर। आज हम 26 जनवरी का काम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज है 7.3। तो इस एक्सरसाइज को बेटा करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं। तो पेज नंबर 128 पर आप देख रहे होंगे, बल्कि आप देखें बुक निकाल कर, डिफाइन आप पॉलीगोन, ये टॉपिक है पेज नंबर 128। आपने इन चीज़ों को अंडरलाइन करना है। अ पॉलीगोन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, एक फिगर होगी और वो क्लोज होगी विद थ्री और मोर स्ट्रेट साइड्स। इसको आपने अंडरलाइन करना है और उसके नीचे आप कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख सकते हैं। अगर ट्रायंगल होगी तो बेटा उसकी तीन साइड्स हैं, ये भी पॉलीगोन है। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स, पेंटागोन फाइव साइड्स, हेक्सागोन सिक्स साइड्स, और ये हेप्टागोन बेटा सेवन साइड्स। इनको आप अंडरलाइन करेंगे, आपको इनके नाम और इनकी शक्ल याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 129 है बेटा ये। अ पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। ये आपके सामने पैरेललोग्राम की शक्ल है। ये बेटा आमने सामने की जो साइड्स हैं ये ऑपोजिट है, पैरेलल भी हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे। और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फाइव प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी आप अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद देखें बेटा नीचे पेज नंबर 129 पर, अ पॉलीगोन इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगोन। ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगोन आल्सो आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। उसके बाद देखें बेटा ये पेज नंबर 130 पर आप आएंगे, रेगुलर पेंटागोन है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर ऑक्टागोन। उसके बाद हम चलते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2, इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7.3 है सॉरी, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। हमारे पास है जी वाई एक्स 65 एंगल है और 70 डिग्री एंगल हमारे पास गिवन है। अभी सवाल में बेटा ये क्या कहा जा रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम कैलकुलेट द अननोन एंगल्स मार्क एक्स वाई एंड जी। तो देखिए बेटा पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको अभी अभी पढ़ाई हैं, आपने अंडरलाइन भी की हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम मद्देनजर रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ एक्स फाइंड करना है, वाई और जी। देखिए यहाँ सॉल्यूशन लिखना है आपने, और जो पहली रीजन है वो लिखनी है, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर सेम सो वाई इज इक्वल टू 65। ये बेटा दरमियान में डायगोनल है, यहाँ देख रहे हैं आप एंगल, इस लाइन के नीचे वाई है और इस लाइन के जो दूसरी साइड पर एंगल ऊपर की जानी है ये 65 है। तो वाई की जो वैल्यू है वो 65 है और आपने रीजन लिखनी है सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक हो गया। सेकेंड सेकेंड देखिए लिखा हुआ है सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो लाइन है सीधी सीधी, इसका मतलब है पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये बेटा ऑपोजिट आमने सामने, तो एक्स जो है वो 70 के इक्वल आ गया। इसके आपके रीजन जरूर लिखने के लिए ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको। और इस जो तीसरा पार्ट है, देखिए हमारे पास एक्स आ गया बेटा, वाई आ गया, बारी है जी। तो अगर हम देखें एक्स वाई और जी, यहाँ एक ट्राइंगल आपको नजर आ रही है और ट्राइंगल के अंदर बेटा तीन एंगल्स होते हैं और इन तीनों एंगल का जो सम है वो होता है 180। ये अंडरस्टूड है, ये आपको सेवंथ में भी बात बताई थी, तो ये आप रिमाइंड आपको मैंने करवा दिया। यहाँ पे लिखा है सिन द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, जिसमें तीन एंगल कौन से, एक एक्स है, एक जी है और तीसरा 65 है। तो इन तीनों को बेटा आप लिखेंगे और इनका सम लिखकर इक्वल लिखेंगे 180। तो एक्स की जो बेटा वैल्यू है वो है 70, 65 एज इट इज, 70 और 65 का सम 135, 135 को आप उधर 180 के साथ माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा जेड इज इक्वल टू 45। तो ये तीनों एंगल आपके पास आ गए, एक्स वाई एंड जी, यहाँ अपने एंगल लिख देना 10, एक्स इज इक्वल टू 70, वाई इज इक्वल टू 65 एंड जेड इज इक्वल टू 45। अब बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 28 ग्रेटर देन द अदर, एक एंगल है दूसरे से वो 28 ग्रेटर है यानी बड़ा है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा आपने इसको सॉल्व करना है कैसे,
हमने एक एंगल है वो हमें नहीं पता कितना है, तो हम क्या करेंगे जब मैथमेटिक्स में कोई चीज़ हमें पता ना हो अनोन उसको हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि वो एक्स है वाई है या जी है। सपोज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज एक्स, वो एक एक्स है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटा जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या है देन द अदर एंगल इज एक्स प्लस 28, ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। अब उसके बाद देखिए बेटा इसकी रीजन कितनी है, तो हमने मैं पैरेललोग्राम में आपको याद करवाएंगे दलाई भी करवाएंगे। सिंस द सम ऑफ एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम इज 360, यानी अगर हम पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स का सम करें तो वो आता है 360। अब एक एंगल है बेटा एक्स और दूसरा एंगल है एक्स प्लस 28, तो तीसरा एंगल फिर एक्स होगा, चौथा एंगल बेटा फिर दोबारा एक्स प्लस 28 होगा। क्यों? क्योंकि दो एंगल जो होते हैं ना ऑपोजिट तो वो सेम होते हैं पैरेललोग्राम में, जैसा कि पिछले सवाल में ये बात बताई गई है। तो हम बेटा चारों एंगल्स का सम करते हैं और लिखते हैं 360, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 28 और अगेन एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 360। अब देखिए बेटा ये मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चार मरतबा एक्स है और दो मरतबा 28 प्लस 28 56, ये बेटा उधर जाकर 360 में से माइनस हो जाएगा तो ये आंसर आएगा आपका 304। अब मैं क्या करता हूँ, 4 से 2 मतलब डिवाइड करता हूँ, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, 304 को बेटा 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 76। तो ये आपका जो है एक्स आ चुका है। अब हमें चूंकि जो बाकी एंगल्स हैं वो भी फाइंड करने हैं, तो अगर हम एक्स प्लस 76 करते हैं और इज इक्वल टू 28 प्लस 76 तो इसका आंसर आता है बेटा 104, यानी एक एंगल हमारे पास 76 है और दूसरा एंगल चूंकि सिर्फ 28 बड़ा है तो वो जो दूसरे एंगल होंगे बेटा वो दूसरे एंगल होगा वो होगा 104। ये था बेटा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, अगर कहीं से कोई बात नहीं समझना है तो प्राप्त कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।